तो यार आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ शायद ही कोई यूट्यूबर आपको बताया हो। सो हे गाइस, दिस इज विशाल एंड यू वाचिंग मी ऑन टेक्निकल शर्मा जी यूट्यूब चैनल। सो लेट्स बिगिन। जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वेबसाइट क्या है। यार बहुत जगह सुनते हैं वेबसाइट बनवाना हो तो संपर्क कीजिए, वेबसाइट अगर आपको चाहिए तो संपर्क कीजिए। ये वेबसाइट है क्या, आखिर में क्या इनके लाभ हैं, क्या फ़ायदा है वेबसाइट बनवाने के, या फिर वेबसाइट किस लिए बनवाया जाए। तो आज इस वीडियो में क्लियर होने वाली है कि वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और क्यों ज़रूरी है हमें वेबसाइट बनवाना। सो बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और ये वीडियो अंत तक आप देखें क्योंकि इसमें बहुत ही सटीक इन्फॉर्मेशन मिलने वाला आपको। तो चलिए हम शुरू करने वाले हैं पहले तरीके से कि वेबसाइट क्यों ज़रूरी है बनवाना। तो ये सारी बातें बताने से पहले मैं आपको कन्फर्म कर दूँ कि वेबसाइट होती क्या है। तो एक नॉर्मल वे में, एक आसान भाषा में कह सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट को, किसी भी प्लेस को एक ऑनलाइन वे पे, एक ऑनलाइन पेज पे शो करना वेबसाइट कहलाता है। तो ये क्लियर हो गया आपको कि वेबसाइट क्या होती है। अब हम बात करने वाले हैं आपसे कि वेबसाइट क्यों ज़रूरी है। अब हमारे पास, अगर हमारे पास जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, कुछ भी हो, तो हमें अगर किसी को बताना है ऑनलाइन थ्रू, तो वेबसाइट ही एक ऐसा माध्यम है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे पास वेबसाइट है एक, तो हम पूरे दुनिया में बहुत सारे रेंज में, बहुत सारे वाइड रेंज में बिजनेस कवर कर सकते हैं। हमारे साइट पे क्या चल रहा है, क्या हमारे साइट के बारे में है, क्या चीज़, मतलब हम क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं आपके सामने, वो क्या है, मतलब ये सारी चीज़ देख सकते हैं। ये पहला फ़ायदा हुआ, और मैं आपको 5 फायदे और बताने वाला हूँ इस वेबसाइट के। दूसरा फ़ायदा ये है, जैसे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, अब हमें बताना है कि हमारे कंपनी में ये चीज़ ऑफ़र है, तो वेबसाइट के थ्रू हम बता सकते हैं। वेबसाइट हमारा है, अगर आप जानते हैं हमारी वेबसाइट तो आप हमारी वेबसाइट विजिट करें, आप एक्सेस कर सकते हैं। ये दूसरी फायदे हुई, वहाँ से आप देख सकते हैं क्या ऑफ़र चल रहे हैं, क्या डिस्काउंट्स हैं, ये सब देख सकते हैं आप। तीसरा चीज़ ये है कि एक वेबसाइट एक ऐसा माध्यम है जो कि कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं आप उसे। एक्सेस मतलब अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कॉलेज दूर है तो वहाँ जा नहीं पाएंगे, मतलब मे बी इन केस अगर नहीं जा पाए वहाँ, तो वेबसाइट खोल लें, वहाँ से देख सकते हैं आप, इजी वे में देख सकते हैं जो भी कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। और चौथी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है कि अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, कोई भी कंपनी चला रहे हैं, तो अगर आप वेबसाइट बनवा लेते हैं या फिर वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं, तो जो भी विजिटर्स होते हैं उनको एक ट्रस्ट होता है, एक विश्वास होता है। और पाँचवीं चीज़, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये प्रोवाइड करता है, जैसे कि हमें कोई भी चीज़, जैसे हमारी कंपनी है, किस चीज़ की कंपनी है, उन फैकल्टी की, उन फैसिलिटीज़ की, हम उन सर्विसेज की फ़ोटोज़ डाल सकते हैं अपने साइट पे, ताकि जो भी विजिटर देख रहे हैं उन्हें एक्सेस करने में आसानी हो। ये पांचवी चीज़ है। और छठी मैं बता रहा हूँ लास्ट चीज़ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक वेबसाइट जो बनवाएंगे आप, वो आपकी टाइम बचा सकता है। सिंपल सी बात है, कैसे, जैसे हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी में कोई कॉल किया, सर आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, किस चीज़ की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कितना पैसा लेते हैं आप, कितने दिन तक रहता है, या फिर मतलब बहुत सारे सवाल ऐसे हैं, कितने साल में रिन्यूअल करना पड़ता है आपको, ये फिर बहुत सारे क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चंस को हमारा टाइम तो समझिए एक तरह से, ये तो टाइम, लॉन्ग टाइम ले रहा है बात करने में, और वही चीज़ अपने सर्विस के बारे में हमने सारी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर डाल दी, टाइम की बचत हो गई। जो भी विजिटर्स आएगा साइट पर देखेगा, भाई साइट पर पूरी चीज़ लिखी हुई है। तो ये रही छठी, तो ये हमने बता दिया छह आपको कि वेबसाइट की सबसे ज़्यादा महत्व क्या है और क्यों ज़रूरी है। अब मैं बताने वाला हूँ आपको कि वेबसाइट बनाने के लिए या फिर वेबसाइट बनवाने के लिए क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होता है। तो सबसे पहले सबको पता है, ये अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ कि वेबसाइट बनाने में क्या क्या चीज़ ज़रूरी होता है। सबसे पहले एक डोमेन चाहिए आपको, डोमेन, नॉर्मली डोमेन वो चीज़ एक एड्रेस होता है, डोमेन एक बस सिंगल एड्रेस है जो कि हम टाइप करते हैं अपने यूआरएल में किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। तो ये डोमेन सबसे पहला ज़रूरी है। और दूसरी ज़रूरी है कि उस डोमेन का एक बिजनेस ईमेल है, जैसे कि आप नॉर्मली ईमेल रख सकते हैं, जैसे sharmaji@gmail.com, तो ये हो गई गूगल की ईमेल है। लेकिन अगर हमें प्रोफेशनल बनना है, हमें प्रोफेशनल चीज़ बनानी है, तो जैसे कि हमारा हो गया support@technicalsharmaji.in, तो ऐसे ही एक प्रोफेशनल ईमेल चाहिए दूसरी। और तीसरी सबसे ज़रूरी, होस्टिंग, वेब होस्टिंग चाहिए हमें तीसरी, जिस पे हम अपनी सारी डेटा, सारी स्क्रिप्ट, सारी फ़ोटोज़ वहाँ डाल सकें, ताकि जो विजिटर्स हैं एक्सेस कर सकें। और चौथी सबसे मेन ज़रूरी, लोगो डिज़ाइन।
आपका कंपनी का कौन सा लोगो है, कौन सा सिंबल है, ताकि जो भी विजिटर्स आ रहे हैं आपके साइट पर वो आसानी से एक्सेस कर सकें, आसानी से पहचान सकें कि हाँ ये उन्हीं का कंपनी है। फिर पांचवी रही है कि अपने कंपनी के लिए HD क्वालिटी में, हाई क्वालिटी में जो भी पिक्चर्स बनाइए, जो भी सर्विसेज आप देते हैं वो, ये पांचवी जरूरी पड़ी। और छठी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर छठे काम नहीं हुए तो ये पांचों का कोई वैल्यू नहीं है। जो डेवलपर, कोई भी डेवलपर को हायर करा के हमारी कंपनी की जो भी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या हमारी कंपनी को चाहिए, उस तरह की वेबसाइट वो तैयार करेगा, ये छठी हो गई। तो पूरा मिला जुला के यही रहा कि वेबसाइट क्यों ज़रूरी है। और हमें आशा है, अगर आपने यहाँ तक वीडियो ये देखा है तो हमें आशा, पूरा आशा है कि आपको ये वीडियो पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, कैसे वेबसाइट क्यों ज़रूरी है, वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको रिक्वायरमेंट है किसी भी प्रकार की वेबसाइट बनवाने के लिए, जैसे कि स्कूल की वेबसाइट हो गई, ई कॉमर्स हो गई, ब्लॉग की वेबसाइट हो गई, किसी भी प्रकार की वेबसाइट की ज़रूरत हो, तो हमारी टीम है, हमारी टीम सबसे सस्ती वेब डिज़ाइनिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेल दिया होगा, वहाँ पर आप मेल से संपर्क कर सकते हैं, वेबसाइट दिया होगा, वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हर रोज़ देते रहते हैं। सो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।